दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक। चेहरे की मुस्कुराहट आपको बता रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पतंग बादलों में गोते मार रहा है और लोगों की नींदें हराम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम मीम के दीवानों के दिलों में दर्द भी है, क्योंकि हम मीम के दीवाने देश और संविधान से प्यार करने वाले हैं। हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले, हिंदुस्तान के हर कोने से प्यार करने वालों में से। कहते हैं ना कि पता करो, किसी राज्य में चुनाव तो नहीं है इसीलिए सरहद पे तनाव तो नहीं है। और हकीकत हमारे और आपके सामने है। जब आज उत्तर प्रदेश की जमीन भारतीय जनता पार्टी और मक्कारों के पांव के नीचे से खिसकता नजर आ रहा है, तो फिर आज मेरे भारत माँ के एक कोने में कर्नाटका में माहौल को खराब कर क्या मिसाल पेश करना चाहते हैं ये? दोस्तों सोचना होगा, निर्णायक वोट देना होगा आपको, आपको याद करना होगा जब एनआरसी और सीए आया उस वक्त आपकी आवाज को कौन बुलंद कर रहा था। ये सिपाही भी आपके लिए, चाहे वो शाहीन बाग हो या सुंदर नगरी हो, हक की आवाज को उठाने का काम किया और मजबूती के साथ पैरोकारी किसी ने किया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में तो वो हमारे और आपके नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीटी में भाजपा की, कहते उनके जिब्बा क्यों नहीं लड़खड़ाता, क्या देखा उन्होंने ओवैसी साहब के अंदर इस तरीके की आरोप लगाने का काम ये लोग करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हक की बात, संविधान की बात, अधिकार की बात करते हैं। और बाकी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जो आपके वोटों पर डाका डाल रहा है, जो आपके वोटों को लूटना चाहता है, और लूटने के बाद अगर विकास किसी का होगा तो उस पार्टी के नेताओं का होगा, उस नेता के परिवार का विकास होगा, वोट देने वाला फिर वहीं के वहीं रह जाएगा। 70 सालों से यही होता आया है। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं। अरे जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को, जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को, उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। हमारे देश का दुर्भाग्य ही तो है कि देश का गृह मंत्री कहते हैं कि 12वीं पास करके इंटरमीडिएट में चले जाओ। कितना अच्छा गृह मंत्री आपको, और बाबा तो बाबा है, जब मोदी जी के दो अनमोल रतन, एक है बाबा एक अमित शाह जी, ऐसे ऐसे रत्न जब हमारे देश का कर्णधार होगा, जब देश के भाग्य का फैसला करने बैठेगा और उनको ताकत दे देंगे आप, तो यही हालात होगा। इसलिए आप सभी साथियों से आज जोड़कर मेरा अनुरोध है कि नफरत की लाठी को तोड़ो, लालच की कंजर को फेंको, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, और एकता की अनेकता में एकता की बात अगर कोई करता है तो वो हमारा और आपका नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करता है। अधिकार दिलाने की बात अगर कोई करता है तो वो हमारा नेता, आपका नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करता है। 70 सालों से जो अधिकार आपको नहीं मिला, जो आपको ठुकराने का काम लोगों ने किया, वो अधिकार दिलाने की बात कोई करता है संविधान के दायरे में, तो हमारा और आपका नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं। फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आप लोग सिर्फ
ये कहकर के अपने वोट को डालने चले जाते हैं कि हमें भाजपा को हराना है। हमें भाजपा को नहीं हराना है, हमें खुद को जीतना है, खुद का वजूद हमें अपना देखना है, अपनी ताकत हमें बनानी है। आप अपने नुमाइंदे मजबूत करें। जहां कहीं भी पतंग चुनाव चिन्ह आपको मिल जाए मेरे साथी, मेरे नौजवान साथियों, उस पतंग के बटन को दबा देना। जहां कहीं भी आपको भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का उम्मीदवार मिल जाए, छोटा चरण, उन्हें आप अपना मत दे करके ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना। चौथा चरण आ रहा है। तीन चरणों तक जिस तरीके से मतदाताओं ने पतंग को पसंद किया, पतंग का बटन दबाते ही टेंशन फुर्र। तो भैया चौथे चरण में भी पतंग, पांचवा भी पतंग, छठा भी पतंग, सातवा भी पतंग, और 10 तारीख को 10 का दम दिखेगा। उत्तर प्रदेश में मीम का झंडा लहराता हुआ नजर आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय मीम। बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक।